पानी को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं तो हो जाती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सांबर सहित आसपास के क्षेत्रों की, जहां लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि लोगों को अपने कामों से छुट्टी लेकर पानी भरना पड़ रहा है। वहीं शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे भी स्कूलों की छुट्टी कर पानी भर रहे हैं। वहीं पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग को काफी बार अवगत करवाया है, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक भी नहीं हो पा रहा है। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2-3 महीने में फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में पानी की स्थिति इतनी विकट है कि पहले एक दिन छोड़ के एक दिन हमारी सरकार में हमने व्यवस्था रखी थी, पानी मिलता था। 4 दिन से 7 दिन से 8 दिन से कोई सुनिश्चित सप्लाई नहीं है, लीकेज ठीक नहीं हो रहे, यहाँ तक कि हैंडपंप ठीक नहीं हो रहे। जनप्रतिनिधि दुखी हो चुके हैं, सरपंच सारे हमारे वार्ड पंच परेशान है, फोन पे संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, अधिकारी रहते नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। गर्मियों की देखते हुए कोई मीटिंग तक नहीं हुई आज तक, हमेशा उपखंड स्तर पे मॉनिटरिंग होती थी, हमारे अधिकारी बैठते थे, चाहे SDM हो चाहे कलेक्टर हो, इन्होंने को भी कोई